है तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते हो। प्रहलाद ने तुझे पुकारा उसको भी तुमने तारा, प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा उसको भी तुमने तारा, प्रहलाद ने तुझे पुकारा प्रहलाद ने तुमने पुकारा उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा। मौत से भी बच गया वो, मौत से भी बच गया वो, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते हो। यहाँ लाखों तर गए हैं, यहाँ लाखों तर गए हैं, गए हैं यहाँ लाखों डर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते हो। तुमने तुम्हें पुकारा उसको भी तुमने तारा, जब ध्रुव ने तुम्हें पुकारा उसको भी तुमने तारा, तुझे पुकारा उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा। आज भी वो अमर बन गया है, आज भी वो अमर बन गया है, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। यहाँ लाखों तर गए हैं, यहाँ लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम रटते रटते हो। शिप्रा गिरी को तेरा बस एक है सहारा, शिप्रा गिरी को तेरा बस एक है सहारा, बस एक है सहारा, सिपरा गिरी को तेरा बस एक है सहारा, बस एक है सहारा, बस एक है सहारा। मैं भी तो तर जाऊंगा, मैं भी तो तर जाऊंगा, तेरा नाम रख, तेरा नाम रटते जपते हो। यहाँ लाखों तर गए हैं, यहाँ लाखों तर गए हैं, तेरा नाम रटते जपते, तेरा नाम रटते रटते हो। यहाँ लाखों तर गए हैं, यहाँ लाखों तर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम यहाँ लाखों तर गए हैं, यहाँ लाखों तर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। सुदास जी महाराज भगवान कृष्ण को कहते हैं, अंधा हूँ जा तो नहीं सकता हूँ। जब सुरदास भजन गाते थे तो भगवान कृष्ण सुनते थे। आप अपनी आत्मा को पूछो, जब आप सुबह से चिल्लाते हो तो क्या ये सुनता है?
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, मेरी प्रार्थना है। इसको रिझाने के लिए गाना है तो इसका कीर्तन करो। कलयुग में कीर्तन की बहुत महिमा है। अगर भगवान का नाम नहीं तो वो भजन नहीं गाना। गजलों गाने का स्थान नहीं है, कवालियों गाने का ये काम नहीं है, गीतों गाने का स्थान ये धर्मस्थान है या मूर्ति या प्राण प्रतिष्ठा है, उसको सुनाओ तो कीर्तन सुनाओ। उनके भक्तों ने गाए भजन को गाओ, मेरे जैसे गाए हुए के भजन मत सुनाओ। इसको सुरदास नरसिंह मीरा ने जो गाए है वो भजन सुनाओ। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन अगर तू मेरा भजन नहीं कर सकता है तो जो मेरे भक्त हो गए हैं, कलाकारों के नहीं, जो मेरे भक्त हो गए जिन्होंने गाया ऐसा भजन मुझे सुना तो मैं तेरे पर खुश हो जाऊंगा। अरे गेरे नथुओं का गाया हुआ इसको भजन मत सुनाओ, इसको भी तंग मत करो भाई, का तो कीर्तन सुनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कीर्तन सुनाओ, या कोई ऐसे भजन सुनाओ जो उसके भक्तों ने गाया हो, जो कैस्टो में सीढ़ियों ठीक है गाओ, मगर उस भजन को गाना जिसमें भगवान का नाम हो, जो भगवान के लक्ष्य हो। ऐसे भजन सुना के इस मूर्तियों का अपमान मत करना बा। ये सूरदास कहते हैं लाखों तर गए तेरा नाम जप कर। ध्रुव 7 साल का बच्चा अमर बन गया, प्रहलाद 7 साल का बच्चा अमर बन गया, मीरा जहर पी के अमर बन गई, नरसी सबरी एक भील की लड़की, तो क्या मैं नहीं तर सकता? उसमें भगवान को लक्ष्य किया और कन्या ने हाथ पकड़ के कुएं में गिरते थे सूरदास बचा लिया। आप ऐसा भजन गाओ जो भवसागर से वो बचा ले। ऐसे तैसे भजन गा के समय को बर्बाद मत करो मेरे भाई। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे बेटी जितकी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना। अदिति ने अपने पति को कहा मुझे ऐसा बेटा दो जो समाज का भला करे, और उसने पयोर नाम के व्रत बताए। कोई भी बहन बेटी को जो संतान न हो वो भागवत में लिखा है 12 दिन दूध पीकर रहेगी उसके घर भगवान बेटा बनकर आएगा। माता अदिति ने 12 दिन तक दूध पीकर दिन निकाले और उसके घर भगवान प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा बोलिए वामन भगवान की। अभी आपके सामने भगवान वामन आ रहे हैं। कथा आती है प्रहलाद की आती है, फिर समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में दैत्य लोक का बल बन जाता है, दैत्य लोक स्वर्ग को ले जाते हैं, देवता लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान छोटा सा रूप लेकर जहाँ बलि यज्ञ करता था उसके द्वार पर आते हैं और भगवान आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा रूप लेके हाथ में सती है कमंडल है बगल में आसन है आहिस्ता आहिस्ता बलि के घर पर आ रहे गाते गाते तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगवान वामन को आने दो रे झोली मेरा आज तेरा
ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी आज तेरा मेहमान कर ले तू मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी हार कड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी भगवान वामन बलि के दरवाजे पे आते हैं बलि यज्ञ कर रहा है अपने गुरु के पास बैठ के आहुति दे रहा है मौन व्रत है भगवान का सुंदर रूप देखकर उन द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए हमारे मालिक ने कहा है जो चाहिए मिलेगा भगवान वामन ने कहा हम तुम्हारे मालिक से मिलना चाहते हैं क्यों बोलिए वामन भगवान की ऐसे ही भगवान थे वामन इतना ही रूप था और गाते आते हैं ओ ढोल उठी है ये धरती देख ले ढोला गगन है सारा ढोल उठी है ये धरती देख ले ढोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान कर ले तू मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी आपके पास आए गए तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी मैं आज तेरा मेहमान के कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी ओ आज लुटा दे रे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा ताली बजाएंगे लुटा दे भगवान वामन आपके सामने आए हैं अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकल अभिमान कर ले तू अपना अमर नाम भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी आज मुझे पहचान के कर ले तुझे अमर ही दान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी ढोल रही धरती देख ले ढोला गगन है सारा ढोल उठी है ये धरती देख ले ढोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान कर ले तू मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोल ओ भगत भर दे रे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा देरी सर्वस अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा सकल अभिमान तू अपना अमरना भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे पहचान भगत भर दे रे जोल ओ भगत भर दे रे जोल भगवान की। अब भगवान को खड़ा कर दो ताकि लोग उसको दर्शन कर सके और एक के बाद एक दर्शन करो। भगवान ने 11 साल की उम्र में बलि राजा के दर पे आए थे। हमने कथा तुम्हें आगे बढ़ा दी, आओ विस्तार से उसका श्रवण करें। ये भगवान जो वामन है देखो छोटा सा बालक बनकर आया, कैसा लगता है जैसे भगवान ही हो। और भगवान ऐसी तरह आए थे, अपने हाथ में कमंडल था, बगल में आसन था और मथे पे सत्री थी, तीन चीज उसके साथ थी। जब भगवान ने छोटा रूप लिया, बलि के दरवाजे पे खड़े रहे, बलि को मौन व्रत था, कोई भी पूजा पाठ करो यज्ञ करो तो मौन व्रत लेके करना। कैसे घर में बैठे हो पूजा करते, थोड़ी देर बोलना नहीं, पूजा करते करते कभी बात नहीं करना, अगर करनी पड़े तो वापस पूजा करना, कोई माला का जाप करते हो तो बात नहीं करना, करना पड़े तो फिर से माला करना, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए वामन भगवान बलि के दरवाजे पे खड़े हैं। बलि के जो नौकर थे द्वारपाल, उसने कहा कि हमारे मालिक ने बोला है जो भी कोई मांगने आए जो भी चाहिए दे देना, इसलिए आप जो चाहो वो मांग सकते हो। वामन ने कहा कि हम तुम्हारे मालिक को मिलना चाहते हैं, हम कोई लोट मांगने नहीं आए, आटा मांगने नहीं आए, तुम्हारे मालिक से आज। द्वारपालों ने बलि को कहा मालिक अन्नदाता कोई छोटा सा बालक देखने में इतना सुंदर है, जिसका दर्शन करने से ऐसा लगता है कि ऐसा बच्चा हमारे घर हो। मालिक हमने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा, बच्चे तो हमारे हैं, दुनिया में बहुत सुंदर है, पर ये जो बच्चा आया है छोटा सा बालक, उसको देखते देखते ऐसा लगता है कि कोई देव हो, साक्षात भगवान हो ऐसा लगता है। बलि जरा बाहर आकर देखिए। बलि ने देखा, खड़े हो गए, उसके गुरु ने बहुत मना किया, उसने सुना नहीं, दरवाजा पे सुंदर बालक को देखा, चरण से मस्तक तक देखकर बलि झुक गया, प्रणाम करने लग गया। उसकी बेटी आई थी हवन में, यज्ञ में उसकी बेटियां जितनी थी सब बाहर निकल आई, उसकी पत्नी निकल आई, उसके बच्चे निकल आए, जिसने भी भगवान वामन को देखा सबने सोचा हमारे घर ऐसा बेटा हो, हमारा भाई ऐसा हो, हमारा पति ऐसा हो, हमारा पुत्र ऐसा हो, सबकी यही भावना रही। और भगवान वामन देखते रहे सबके सामने, लोग उसके पैरों में, राक्षस लोग जो मानते नहीं थे वो भी उसके पैर में झुकने लगे, जिस तरह ये माताएं बहना प्रणाम कर रही है, इस तरह बच्चा हमेशा भगवान का रूप होता है, इसलिए अभिमान छोड़कर उसको प्रणाम करना। बोलिए वामन भगवान की। 7 साल की कन्या जगदम्बा दुर्गा का रूप होती है, 11 साल की कन्या भगवती साक्षात अम्बा का रूप होती है, और 9 साल का लड़का भगवान वामन का रूप होता है, 12 साल का लड़का भगवान कृष्ण का रूप होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण 11 साल तक गोकुल में रहे, 11 साल 52 दिन के बाद छोड़ दिया। भगवान ऐसे थे जैसा आप देख रहे हो, इसलिए अभिमान छोड़कर उसको प्रणाम करना, किसी का बच्चा है ऐसा नहीं, भगवान का रूप, क्योंकि इंसान जैसा कपड़ा पहनता है ऐसा हो जाता है। इसलिए भगवान वामन छोटा बालक का रूप लेकर बलि के सामने खड़े हैं। बलि ने कहा मांगो महाराज क्या चाहिए। भगवान वामन ने कहा मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। बलि हंसने लगा, बोले महाराज आप मेरी मजाक कर रहे हो, आपको पता है तुम किसके पास आए हो, आज इतना मांग लो कि जिंदगी में आपको फिर दोबारा किसी के दरवाजे पे मांगना न पड़े,
भगवान वामन ने कहा मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, ब्राह्मण संतोषी होता है। राजन राजपाट तुम्हें मुबारक हो, मुझे जितना चाहिए उतना दो, नहीं देना है तो मैं चला जाऊँ। बलि ने कहा नहीं महाराज, कहो राज आपो, पाट आपो, कन्या आपो, गौ आपो, क्या चाहिए? उस वामन ने कहा मुझे 3 पैर जमीन चाहिए, वो भी मेरे पैरों से, मैं नापू, इतनी ही चाहिए। बलि बहुत हंसने लग गया, क्योंकि बलि को अभिमान था और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। जो व्यक्ति अभिमान करता है भगवान उसको गिरा देता है, चाहे कोई भी हो, साधु हो, तपस्वी हो, महात्मा हो, भक्त हो, पैसे वाला हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, ईश्वर को अभिमान अच्छा नहीं लगता है। बलि को अभिमान था कि मैं त्रिलोकी का मालिक हूँ, इसलिए भगवान ने छोटा रूप लेकर कहा कि मुझे 3 कदम 3 पैर जमीन चाहिए, वो भी मैं नापू मेरे अपने पैरों से। अब भगवान के छोटे छोटे पैर थे, 2 फुट जमीन भी नहीं आ सकती थी। बलि ने आंखों में आंसू आ गया, इतना सुंदर बालक ज्ञान की तो बात करता है। बलि ने कहा महाराज आपकी इच्छा जितनी हो इतनी मांगो। तो भगवान छोटे से बालक ने कहा बलि यहां इच्छा किसकी पूरी हुई, तुम किस लिए कर रहे हो, क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? बलि चुप हो गया। बलि ने कहा राजपाट मांग लो। बोले सारी दुनिया का राज मिल जाए फिर भी तुमको शांति है, किसको मिली? बलि चुप हो गया। बलि ने कहा बोलो मैं कितनी कन्या दूं? बोले स्त्री किसको सुख मिला है, तुमको मिला? चुप हो गया। इतने ज्ञान की बात करी तो बलि ने कहा कि तुम बालक की दिखते बालक हो, ज्ञान की बात करते हो पर बात तो तुम्हारी बालक जैसी है। भगवान ने कहा मैं बालक ही तो हूं, बालक हमेशा निर्दोष होता है, बालक झूठ नहीं बोलता, बालक में मन में कपट नहीं होता, बालक में लालच नहीं होता है, बालक भगवान का रूप होता है। इसलिए अभिमान छोड़कर इन बालक भगवान वामन समझकर उसके चरणों में प्रणाम करना। प्रणाम करो इस ईश्वर को जिसने हमको जन्म दिया, प्रणाम करो इस ईश्वर को जिसने हमको जन्म दिया। कितना बड़ा है दिल उनका, ओ कितना बड़ा है दिल उसका, कितना बड़ा है मन उनका, ओ कितना बड़ा है मन उनका। जब जब धरती पे पाप बढ़ा तो वामन बन अवतार लिया, प्रणाम करो इस ईश्वर को जिसने हमको जन्म दिया, को जिसने हमको जन्म दिया। राम भी आए मनुष्य बन के, यहाँ राम भी आए मनुष्य बन के, कृष्ण भी आए मनुष्य बन के, यहाँ कृष्ण भी आए मनुष्य बन के। जब जब धरती पे पाप पड़ा तो, जब जब धरती पे पाप बढ़ा तो, प्रभु ने आके अवतार लिया, प्रणाम करो इस आमन को जिसने हमको जन्म दिया, प्रणाम करो इस वामन को जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको जन्म दिया, हो जिसने हमको जन्म दिया। भगवान की, भगवान वामन बलि से 3 पैर जमीन मांगते हैं। बलि ने कहा अच्छी बात है, मांग लो, नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पानी हाथ में लो, संकल्प करो, और जो संकल्प करने गए तो उसके गुरुदेव आ गए। बलि को कहा ठहरो, ये धुतारा है जिसको तुम दान दे रहे हो वो कोई मामूली साधु नहीं, ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान है। तो बलि नाचने लगा कि लोग तो घर बार छोड़ देते भगवान को पाने के लिए, और वो भगवान मेरे घर पे आया है तो मैं सब दे दूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, बलि माने नहीं। शुक्राचार्य कमंडल में घुस गए, भगवान जान गए, डाब को डाला, शुक्राचार्य की आंख फूट गई।
याद रखना, कोई दान करता हो पुण्य करता हो तुम न दे सको तो कोई बात नहीं, मगर बीच में नहीं आना, नहीं तो काने हो जाओगे, दूसरे के तुम्हें कौवे होंगे। शुक्राचार्य की आंख फोड़ दिया, गुरु की आंख गई। गुरु ने सोचा कि अभी दोबारा आऊंगा तो दूसरी ही जाएगी, अंधा हो जाऊंगा, चेला तो मानेगा नहीं। शुक्राचार्य चले गए, साफ दे दिया कि तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओगे। फिर भी बलि ने कहा, मैं कुछ भी हो जाए मेरे घर भगवान आया है, मैं ऐसा अवसर कैसे जाने दूं। बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता मांगो। हाथ में पानी लिया, संकल्प किया, जमीन पर छोड़ा और भगवान ने अपना साता एक तरफ रख दिया, कमंडल एक तरफ छोड़ दिया, आसन छोड़ दिया और वैराट रूप लिया। एक कदम से पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे कदम से ब्रह्मांड को नाप दिया और तीसरा चरण रखने का नहीं था। बलि को कहा, हे बलि, तीसरा कदम कहाँ रखो, तुम नरक में जाओगे। क्योंकि जो आदमी दान करने का वादा करता है, वचन देता है, संकल्प करता है और उसको पूरा नहीं करता तो नरक में जाता है। बलि ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं होगा, आपने एक पैर में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में स्वर्ग, दूसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं, ये शरीर भी एक भूमि का दिया हुआ टुकड़ा है, मेरे सर पे आपका पैर रख दो। और भगवान वामन ने वैराट रूप लेकर उस बलि के मस्तक पे पैर रख दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराओं नाचने लगी, ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे, बोलिए वामन भगवान की जय। बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पैर रख दिया, भगवान के आंखों में आंसू आ गए, धन्य बलि तुम्हारे माता पिता, मैं इन देवताओं के लिए एक साधु का रूप लेके, वामन का रूप लेके तेरे घर पे आया था, तूने सब कुछ दे दिया, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो सारी दुनिया को नहीं मिला होगा। तुम पाताल के राजा बनो और तुम्हारी इंद्र बनने की इच्छा है ना, मैं तुम्हें बनाऊंगा। अभी ये 5 साल का मिनिस्टर है, 5 साल में उसका पूरा हो जाएगा, उसको गिराना नहीं है, 5 साल के बाद तुम्हें बना दूंगा। और भगवान ने कहा, तुम पाताल में जाओ, तुम्हारा द्वारपाल तुम्हारा नौकर रहकर तुम्हें अमर बना दूंगा। आज बलि पाताल में बैठा है, अमर बना। सुखदेव जी कहते परीक्षित, योतम वहातम बलि राजा विरोचनम पुत्रम महादहनी भगवान वामनोस्ततम पुत्रम भिक्षावृतियमागत। सुखदेव जी महाराज बलि को प्रणाम करते हैं, धन्य उस बलि को। और भगवान ने जिस देश में वामन रूप लेकर इस बलि के दरवाजे आए थे, इसी भारत में आज लोग क्या कर रहे हैं देखो तो सही। इसलिए संत दुखियों के भगवान को कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हाल क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हाल क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
बंदे रहीम के बंदे, देख लिए इनके भी धंधे। राम के भक्त रहीम के बंदे, देख लिए इनके भी धंधे। की काली करतूतों से देश हुआ बदनाम, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बस खुले पैर पे चलो, खुले पैर पे चलाओ। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बदला सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सब काले धंधे, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नौकर नर नंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा हो पर रे नंगा। इन्हीं के सारे पापों के आया ये अंजाम, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पिंजरे के पंखी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के दर्द न जाने को, तेरा
दर्द न जाने को। विधि ने तेरी कथा लिखी है, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। के पंसी रे बाहर से तू खामोश रहे रे, भीतर भीतर रोए रे, ये भीतर भीतर रोए रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ये पत्थर का देश प्यारे, ये पत्थर का देश प्यारे, तेरा नया कोई हो रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंसी रे जाने को, तेरा दर्द न जाने को। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। आवाज ज्यादा तो बोलना, क्योंकि फैमिली पर पड़ा है और गिर गया, ठोकर लगी कब्र में, तो कब्र से एक जिन्नात बाहर आ गया। मांगो मेरे आका, मांग मेरे आका, मांग मेरे आका। उसने कहा तुम कौन हो? बोले मैं जिन्नात। तुम क्या दे सकते? तुम बोलो मैं कर सकता हूं। तो उसने कहा यहां से अमेरिका का रोड बना दे। क्या बोला? यहां से अमेरिका तक का रोड बना दे। वो बोलते है भाई ऐसा नहीं बन सकता है। बोले कब से बोलता है मांग मेरे आका, मांग मेरे, बना दे रोड। बोले रोड नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले लंबा पड़ेगा यार, छोटा मोटा पड़ेगा। बोले पुल बना, पुल के ऊपर रोड बना। बोले ये भी नहीं बन सकता, दूसरा कुछ मांग। उसने कहा दूसरा भी मांगो तो कर सकता है? बोले हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जितना कहूँ इतना मेरी घरवाली करे, ऐसा कर दे, जितना मैं बोलूँ इतनी मेरे घर वाले मेरी सुने, मेरी घरवाली इतना करे ऐसा कर दे। वो आधा घंटा चुप रहा। फिर बोलता है वो रोड बना डबल के सिंगल, क्योंकि वो ठीक रहेगा। वो जिन्नात भी बोल रहा है कि वो रोड जो बनाना है वो डबल बनाना है, एक पटरी बनाना है। बोलते क्यों? बोले ये ठीक रहेगा, वो बड़ा भारी काम है, उसमें तो देवता भी हार जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं चल चल प्रभु चरण में, चल चल प्रभु चरण में, कोई नहीं दुनिया में तेरा, कोई नहीं दुनिया में, अब चल चल प्रभु चरणों में, अब चल चल प्रभु चरण।
चरण में अब चल चल प्रभु चरण। कहने का भाव अजामिल संतों का विरोधी था, उसके घर संत आ गए, भोजन किया तो संत को कुछ देना चाहिए। अजामिल से कहा कुछ दो, अजामिल ने कहा सबसे बड़ी दक्षिणा मेरी ये है तुम निकल जाओ। संतों ने कहा तो हम कुछ दे के जाए, क्योंकि संत तो कुछ देते हैं लेते कुछ नहीं है। तुम्हारे 100-200 रुपये में संत का घर नहीं चलता है, उसका परिवार बहुत लंबा। तुम्हारे घर में तो 5 आदमी है, हमारे यहाँ रोज 50 आदमी खाते हैं, हजारों संत रहते हैं आते हैं जाते हैं, हमारे को खर्चा इतना होता है, पर भगवान चलाता है। तुम्हारे खर्चे से मेरा घर चलेगा नहीं, मेरा मंदिर चलेगा नहीं, क्योंकि भगवान चलाता है। जब मंदिर का कोई ट्रस्टी ऐसा बोले कि मैं मंदिर चलाता हूँ, तो भगवान को हंसी आती है और कहता है मूर्ख तू मेरा मंदिर क्या चलाएगा, मैं तुम्हें चलाता हूँ, तेरे घर को चलाता हूँ, तू मेरा मंदिर क्या चलाएगा, तुम सेवा करो। इसलिए मंदिर का ट्रस्टी हो, ट्रस्टी उसको बोलते हैं जो सेवा करता है और हुक्म चलाता है, वो ट्रस्ट नहीं वो कष्ट देने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए ट्रस्ट विष्ट और मिष्ट को हिसाब से होना चाहिए। इसलिए भगवान वामन ने बलि का अभिमान उतारा, बलि को पाताल में भेज दिया, समुद्र का मथन हुआ, जहर निकला कोई पीने के लिए तैयार नहीं था, भगवान शंकर ने पिया। फिर अमृत लिया तो अमृत लेने के लिए सब झगड़े, वो कहता मैं पी लो, वो कहता मैं पी लो। भगवान ने मोहिनी रूप लिया, देवता को अमृत पिलाया और मदिरा राक्षसों को पिलाया। इसलिए हमारे देश में जो मदिरा पीते हैं उसको असुर कहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मान नहीं मातु पिता नहीं देवा, मान नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु पही करे। ये शंकर भगवान का शब्द है, साधु पही करे। ओ जिनके चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, सो जानहू निची सर सम प्राणी, सो जानहू निची सर सम प्राणी। भगवान शंकर कहते हैं देवी समुद्र मथन हुआ तो जहर पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, मैंने किया। बाद में काम धेनु गाय निकली, ये गाय जो है ना वो किसी माँ से पेट से जन्मी नहीं है, गाय की कोई माँ नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ है, उसकी माँ कौन हो सकती है। गाय समुद्र से निकली, हीरा मानिक सोना चांदी लक्ष्मी सब समुद्र से निकले। फिर चौदस्या समुद्र से निकले, चौदस्या में मानते हो, चौदस्या किसको कहते हैं, हमारे गुजराती बहते कौडा, तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, चौदस्या। चौदस्या माने किसी का घर तोड़वाना, किसी के झगड़ा करवाना, खोटी बातें उड़ाना, झूठी बातों में आ जाना, दूसरे को बहकाना, किसी को अलग कर देना, किसी घर में आग लगा देना, सुखी घर में कुटुंब को बिछड़ देना, उसको बोलते चौदस्या। वो निकले समुद्र से तो देवताओं ने अमृत लिया, हीरा माणिक लिया, पाराजित लिया, काम धनु लिया, एरावक लिया, हाथी लिया, घोड़ा निकला, सब लिया। उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे। भगवान ने कहा ये भी दो दो ले जाओ, बोले ये नहीं ले जाइयो, बोले क्यों, वो हमारे घर को तहस नहस कर देगा। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं, बोले तुम्हारे पास विमान है, बोले है, उसमें भर दो और हर गांव में 4-4-5-5 डाल दो। उस विमान में भर के सब गांव में डाल दिए, यहां भी होंगे जो किसी के घर में आग लगवाते हैं, गिराते हैं, बिराते हैं, बिछड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, उल्टा सिल्टा करते, ये सब समुद्र से निकले हैं, बेकार आदमी है। इसलिए समुद्र मथन में अमृत के लिए सब मरे, जहर के लिए कुछ नहीं पड़े, और मदिरा था उन असुर ने पिया है। इसलिए मदिरा पीने वाले की कुछ गिनती अलग है। मेरे भाई बहन बुरा मत लगाना, हो सके तो इससे दूर रहना, क्योंकि इंसान का जन्म बार बार मिलता नहीं है। ये कब्रिस्तान नहीं है भाई, ये मांस डालने के लिए कब्रिस्तान में मुर्दे डालते हैं, ये तुम्हारा पेट है, ये कब्रिस्तान नहीं है, इसमें मुर्दे के मांस मरे हुए जानवर का नहीं डालना। ये जो बूंद है उसको पूछो कि तुम गटर के पानी क्यों पीते हो, तो कहेंगे हम इंसान थे और हमने पानी का शराब बना के पिया, हम बूंद बने, ईश्वर ने हमको सजा दी, आज हम गंदा पानी पीते, मलमूत्र खाते हैं,
क्यों उन इंसान बन कर भी अच्छी तरह से जी रही। तो मेढक को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, जिसको देखो समझना मैं भी कभी ने कभी इसमें था, क्योंकि दुनिया एल्बम है, तुम्हारा फोटो है, जहां भी तुम्हारी नजर हो देखना मैं भी कभी यहां था। अभी अवसर अच्छा मिला है, अच्छी तरह से जीना। एक कथा हमें जीना सिखाती है। अजामिल को संतों ने कहा तुम्हारे घर जो बेटा है उसका नाम नारायण रखना, और उसने नारायण रखा। एक दिन मौत आई, यमदूत लेने आए, उस यमदूत को देखकर डर गया। हर व्यक्ति मरने के समय मलमूत्र को त्यागता है, उसका कारण यही है। इतने भयंकर है यमराज के दूत, आदमी मरते मरते बेहोश हो जाता है। उसके बेटे कहते हैं पप्पा, मम्मी बुलाती है, बहन बुलाती, किसी का नहीं सुनता है। जब मरने वाले व्यक्ति की एक ही जगह पे आंख टिके तो मानना वो यमराज को देख रहा है, यमराज के आदमी को देख रहा है। जिसके मलमूत्र नहीं निकलते मरते टाइम वो भगवान के पास जाते हैं, और जो मलमूत्र निकलते वो यमराज के पास जाते हैं। इसलिए तो मुर्दे को नहलाते हैं भाई। इसलिए यमराज के घर में न जाना हो तो परमात्मा की कथा सुन के अपने आप को ठीक करना। ये संसार तुम्हारे लिए बनवाया, खाना पीना, शादी विवाह, बाल बच्चे पालो पढ़ाओ कमाओ, वो कोई पाप नहीं है। भगवान ने आपके लिए बनाया, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, एक बढ़ जाओ जिस समाज के हो। हर समाज उन्नति कर रहा है, तुम्हारा समाज पीछे क्यों है? क्योंकि खींचातान है, सबको बड़ा बनना है, हम ही कुछ है, हमको करने दो, हम ही करें, ऐसा करो, ऐसा नहीं। छोटे से छोटे आदमी को साथ दो और समाज को उन्नति के मार्ग ले जाना है तो एक बन जाओ। भगवान वामन ने देवता और दैत्यों को एक बना दिया, और अजामिल को भगवान का नाम से पुत्र का नाम नारायण रखा, तो उसकी मौत सुधर गई। मरते टाइम उसने अपने बच्चों को बुलाया, भगवान के पास सदाए, और यमदूत से छुड़ा के ले गए। और अजामिल ने देखा कि भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को कहा उसको छोड़ दो, क्योंकि उसने हमारे नारायण को याद किया। यमदूतों ने कहा तो उसके बच्चे को बुलाया, बोले बच्चे को बुलाया, मर बच्चे का नाम नारायण है कि नहीं? किसी के ही बच्चे का भगवान का नाम होगा तो उस माँ बाप को नरक में जाना नहीं पड़ेगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। बस अजामिल को वैराग्य हो गया, उसने देखा कि मरते टाइम भगवान का मैंने पुकारा, मेरे बच्चे को पुकारा तो भगवान आ गए। अगर इंसान अच्छी तरह से ईश्वर का भजन करेगा तो भगवान के पास जरूर जाएगा। उस अजामिल ने घर बार छोड़ दिया, अपना उद्धार कर दिया, यही शास्त्र है। फिर जब आदमी के पास पैसे हो जाते हैं, कोई ओहदा मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, बड़ाई मिल जाती है, वाह वाह हो जाती है, तो आदमी को अभिमान होता है। इंद्र की वाह वाह हुई, उसकी बड़ाई हुई, उसने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु छोड़ के चले गए। दैत्यों को पता चला, शुक्राचार्य ने राक्षसों को कहा उसके ऊपर चढ़ाई कर दो, दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया, देवताओं मारे मारे भटकने लग गए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया, इसलिए तुम्हारी पड़ती हुई लक्ष्मी चली गई। अब कुत्तों को रोटी डालो, तुम्हारे दुश्मन का प्राय होगा, गायों को घास डालो।